हैप्पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। मैं छवि वर्मा, आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश। भारत में आज लॉकडाउन का चौथा दिन है। हमारे पी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह भास्कर ने जब स्थिति का पूरा जायजा लिया तो आप देखिएगा किस तरीके से लोग अपने घरों में समय व्यतीत करते हुए नजर आए। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। आज लॉकडाउन का चौथा दिन है। सड़क पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस का गश्त व पुलिस की गाड़ियां नगर में घूमती नजर आईं। थाना बेवर में एक कांस्टेबल महिला ने एसआई के हाथों को सैनिटाइज कराया। इसके अलावा लोग घरों में रहकर अपने घरेलू काम करते हुए नजर आए। किसी ने घर की सफाई की तो किसी ने दरवाजों को ग्रीस लगाकर साफ सुथरा किया। घरों में बैठकर लोग धार्मिक सीरियल व गीता पढ़कर समय व्यतीत कर रहे हैं। वहीं बच्चे इंडोर गेम्स खेलते नजर आए तो कहीं पर लोगों ने मंत्र उच्चारण कर भगवान से इस कहर को रोकने की दुआएं की। इस बात को सोचते हुए कि अब कैसे चलेगी जिंदगी, लोगों में कोरोना वायरस का भय साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोरोना के बारे में जब लोगों से जानकारी ली गई तो लोगों ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। लॉकडाउन हो चुका है, पूरा देश घर में बैठ के व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, कैसे आप जी रहे हैं? मोदी जी ने कहा है कि 21 दिन का लॉकडाउन है, हम लोगों को उनकी बात माननी चाहिए और घर पे ही रहना चाहिए। हमारे लोगों के लिए भलाई के लिए है और घर पे बैठ के अपना धार्मिक चैनल वगैरह देख रहे हैं हम और हमारी पत्नी जी, तो अपना टाइम काट रहे हैं। वैसे हम लोग मार्केट वगैरह करते हैं, अपनी बिजनेस है हमारा, तो काम वाम तो कर नहीं पा रहे हैं तो टाइम नहीं कटता है। इस चक्कर में धार्मिक चैनल वगैरह देख रहे हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम रोहन भारद्वाज। ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से देश परेशान है और आप जो है एकत्र होके अपने घर में ही गीता पढ़ रहे हैं, क्या मन में आया, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे मोदी जी ने जो 21 दिन का जो लॉकडाउन किया है इससे जो कोरोना वायरस है इसका भी जो है अंत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है संसार में ये कहते हैं कि ये आपाधापी की जिंदगी है, मुझे किसी भी कार्य करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है और केवल रोजी रोजगार में ही लगे रहते हैं। ये 21 दिन का समय ऐसा आया है कि अब ये कोई नहीं, भगवान की हम तो कृपा समझ रहे हैं कि घर बैठ करके 21 दिन तक जो है आप अपना जो है सारे काम भगवान के प्रति जो है इतने तरीके से मिल रहा है कि सारे काम करते हुए भी जो है पूरा टाइम मुझे जो है पढ़ने का, लिखने का, समझने का भगवान के प्रति जो है मिल रहा है। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि परमात्मा ने मुझे जो है आपाधापी जिंदगी जीने के लिए कोई ऐसा समय नहीं दिया जो कि हम भगवान की जो है समर्पण भाव से कुछ उसका चिंतन करें, उसका कुछ मनन करें। ये आप जो है गीता पढ़ रहे हैं अकेले में, तो ये इससे पहले भी आप पढ़ते थे क्या? हाँ पहले भी पढ़ते थे, लेकिन समय नहीं मिला हुआ है। अच्छा, मिला था बचपन में ही पढ़ते रहे, लेकिन जितना इस टाइम जो मिला है ऐसा मौका जीवन में कभी नहीं मिला, इतना साफ सुथरा मौका कि जो है हम जो है उसको मनन कर रहे हैं। और कल भी मैंने जो पूरा एक अध्याय को जो है प्रथम दिन से स्टार्ट किया, अभी दूसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष बाबू गुप्ता। क्या करना है सब लोगों को? सब लोगों को अपने अपने घर में रहो, बस बाहर निकल के कोई जरूरत नहीं है कोरोना वायरस की वजह से।